बहुत सारे बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मार्जिन को कैसे यूज करना है, वेयर टू राइट क्वेश्चन नंबर, हाउ टू राइट अ क्वेश्चन नंबर, और सर वर्किंग कॉलम हाउ टू शो इट, डू वी नीड टू ड्रॉ मार्जिन दी वर्किंग ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दी मार्जिन, कि मार्जिन नीचे ड्रॉ करके पेज के एंड में मुझे वर्किंग करना है, और शुड आई यूज अ सेपरेट पेपर और अ लास्ट पेज ऑफ माई आंसर शीट टू राइट द वर्किंग कॉलम. सो स्टूडेंट्स हैव so many confusion, so many doubts in their mind. So today I am here to clear all your doubts, all your confusions. Here I am Praveen Sonawane and you are watching India's most reliable and relevant educational channel where you get best in class study material and video lectures. Do check the links in the description box. Now you get an answer sheet. This answer sheet which you are going to get in the board examination will look something like this. This is the answer sheet which is like your board examination. But this is for the purpose of my classes where I take a test. Now you will see that ki there is a margin, a vertical line. So what you will be doing, all the question numbers which you are going to write, all the question numbers will be on the left hand side of the margin. Can you see? क्या आप देख सकते हो this question number 1? जो MCQ based question होता है, there are 10 sub questions. तो student ने answer कैसे लिखा हुआ है? Question number 1, sub question number 1. Okay, question number 1, which is a compulsory question from section A, उसका sub question number 1. Then question number 2, question number 3. तो क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए ये लेफ्ट साइड का मार्जिन है. सो ये ए वगैरह या आंसर, कुछ बच्चे लोग आंसर इधर लिखते हैं, आंसर. ओके, डोंट राइट व्हाट एवर यू आर राइटिंग, यू हैव टू राइट योर राइटिंग वाला पार्ट इज ऑन दी राइट हैंड साइड, उस तरफ जो है. ओके, इस मार्जिन के लेफ्ट साइड में ओनली क्वेश्चन नंबर एंड नथिंग एल्स, ओनली क्वेश्चन नंबर एंड नथिंग एल्स. इज दिस क्लियर? अगर आप लोगों को और कुछ डाउट है तो यू कैन टाइप योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स. सो दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर. ओके, देन सपोज न्यू क्वेश्चन हैज टू बी स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज. सो यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट हैव स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देर आर अगेन 4 सब क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4. यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो, इस स्टूडेंट ने, you start a question number, if you don't want to start with question number 2, no problem. If you directly want to start with question number 4, तो उससे भी start कर सकते हैं, लेकिन सारे उस question के all sub questions has to be solved together. किसी भी question से कुछ से start करो, लेकिन उस question के सारे sub question you have to solve together. Okay, like इस student ने question number 2 का 4th वाला question पहले solve किया, it is absolutely fine. Okay, सो उसके बाद में सॉल्व किया है 3, देन नेक्स्ट पेज पर 2 एंड 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1. तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. शुड आई फॉलो, सम स्टूडेंट आस्क मी शुड आई फॉलो द क्रोनोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन, नॉट नेसेसरी. इफ यू फॉलो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन सी हियर कि ये क्वेश्चन नंबर, सिर्फ ये देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग टुगेदर. ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में और 1 क्वेश्चन लास्ट में. इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विथ एनी ऑफ द सब क्वेश्चन, से क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो उससे आपको प्रॉब्लम है, तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 1 के लिए जगह छोड़ना, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन लेटर ऑन यू कैन कम बैक एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एट द एंड. इज इट फाइन? एवरी क्वेश्चन, ओके, एवरी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पेपर में नंबर दिया गया है एंड यू हैव टू यूज द सेम नंबर. ओके, अगर आप लोगों ने 4th क्वेश्चन पहले सॉल्व किया तो राइट क्वेश्चन नंबर 4 हियर. बहुत बार मैंने देखा है 1, 2, 3, 4 लिखते हैं बच्चे लोग, दैट इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग मेथड. यू हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन नंबर विच इज प्रिंटेड इन योर क्वेश्चन पेपर. डू यू सी स्मॉल रोमन नंबर? अगर क्वेश्चन पेपर में स्मॉल रोमन नंबर में दिया है तो यू हैव टू राइट इन अ स्मॉल रोमन नंबर. देयर यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 4. तो एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है Q2, तो आपको अगेन सेम, एग्जैक्टली सेम लिखना है, दैट इज Q2. हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू यूज अ वर्किंग कॉलम, राइट? तो वर्किंग कॉलम के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि whatever you are writing, whatever is your fair work, that has to be written with the pen. तो आप देख सकते हो इस student ने यहाँ पर black pen का use किया है. तो two color pens are allowed to be used. Okay, आप दोन में से कोई भी color use कर सकते हैं, either black और ब्लू. इस स्टूडेंट ने यूज किया है ब्लैक कलर पेन, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू यूज दिस ब्लू ब्लैक कलर पेन. आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो कि आपका मनपसंद कौन सा कलर है. अब वर्किंग कॉलम क्या किया है, ऑन सेम पेज, नो मार्जिन, नो लाइन, नथिंग. ये आपका फेयर वर्क जो है वो पेन के साथ किया गया है, और जो वर्किंग है दैट हैज बीन डन विद द पेंसिल. वर्किंग कॉलम या रफ कॉलम, सम स्टूडेंट्स समझते हैं कि यह गंदा होना चाहिए, या गंदा होगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, गंदा होगा तो भी चलेगा, बट ट्राई टू ब्यूटिफाई योर आंसर पेपर, क्योंकि आपका आंसर पेपर आपके टीचर के लिए एक गिफ्ट के जैसा होना चाहिए. अगर आप आपके फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देते हो तो क्या करते हो, उस बर्थडे गिफ्ट के बॉक्स को अच्छे पेपर में रैप करके उस पर जो है अच्छे हैंडराइटिंग में अपना नाम लिखकर उसको प्रेजेंट करते हैं. सेम वे आपको आपका पेपर साफ सुथरा रखना है, नीट, क्लीन एंड टाइडी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, सम वर्किंग वॉज रिक्वायर्ड. वैसे तो ये MCQ है, MCQ में वर्किंग या स्टेप्स नहीं चाहिए, ओनली आंसर इज रिक्वायर्ड. बट क्या बेनिफिट होता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. यहाँ पर इस स्टूडेंट ने जो है वर्किंग किया हुआ है और आंसर मिला 242. ये लिखा गया है आपके पेन से, और जो भी वर्किंग है वो किया गया है पेंसिल से. ओके, वर्किंग हैज बीन डन विद द पेंसिल, और वर्किंग सिस्टमैटिकली किया है. नाउ टीचर विल सी, सपोज आपने यहाँ 242 आपको आंसर मिला है, और जल्दी जल्दी में यहाँ लिखते वक्त आपने लिखा 224. ओके, दैट मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक, बट टीचर्स आर काइंड, दे आर जेनरस, ओके, टूवर्ड्स यू. यहाँ अगर आप लोगों को राइट मिला है और यहाँ मिस्टेक किया है, सो दे आर कंसिडरेट, दे विल गिव यू मार्क्स फॉर दिस. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द वर्किंग कॉलम. इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि वर्किंग कॉलम को नीचे या एंड में मत करना. व्हेन योर टीचर इज करेक्टिंग दिस आंसर, वर्किंग सामने ही दिखाई देना चाहिए. दिस आंसर वर्किंग सामने ही दिखाई देना चाहिए. तो शायद आपको कलर समझ में नहीं आ रहा है, बट आई विल लाइक टू शो यू दिस. ओके, क्या देख सकते हैं आप इस पेज को, तो जो भी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है वो फेयर है. ओके, वो फेयर है, और यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ है. ओके, समथिंग लाइक दिस. ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पेपर गंदा करो, या वर्किंग भी एकदम शैबी टाइप से करो. तो जो भी करो नीटली करो, सिस्टमैटिकली करो. ओके, दिस वॉज अबाउट दी वर्किंग कॉलम. तो आप लोग देखेंगे इस स्टूडेंट ने सारे के सारे वर्किंग, ओके, इज डन ऑन दी राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड में सॉल्व किया है, एंड यू विल सी, और इसके लिए पेंसिल यूज़ किया है. अगेन आई विल शो यू दिस. ओके, देखो यह फेयर वर्क है, और यह पेंसिल से जो है वो वर्किंग किया हुआ है. दिस वर्किंग, ओके, हैज़ बीन डन विद दी पेंसिल. आई होप यू कैन सी दिस. और टीचर्स लोग समझदार होते हैं, उनको भी पता चलता है पेन से लिखा हुआ आपका फेयर है, और पेंसिल से जो कुछ भी आपने किया है वो आपका रफ वर्क है. तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक.